तीसरे चक्र की शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग शनिवार को शहर के 3 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिन के 11 बजे शुरू हुई। जिला हाई स्कूल, शफी मुस्लिम हाई स्कूल और आदर्श मध्य विद्यालय लहरिया सराय में शिक्षक की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे अधिक भीड़ जिला स्कूल केंद्र पर देखने को मिली, जहां 120 पदों के लिए सदर प्रखंड के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि शफी मुस्लिम स्कूल में गौड़ा बौराम प्रखंड की काउंसलिंग हो रही है, वहीं आदर्श मध्य विद्यालय में किरतपुर प्रखंड की काउंसलिंग हो रही है। यह काउंसलिंग 4 बजे तक चलने का अनुमान है, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की सूची आज ही देर शाम तक जारी कर दी जाएगी। जी सर, ये जिला स्कूल के अंदर आज काउंसलिंग है, ये किस ब्लॉक का काउंसलिंग हो रहा है? ये दरभंगा सदर ब्लॉक का काउंसलिंग आज हो रहा है, एसएसटी विषय का सामाजिक विज्ञान। यहाँ 120 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट है। 11:30 बजे हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे जो सरकार का निर्देश है 4:30 बजे तक काउंसलिंग कर लेने का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4:30 बजे तक हो जाए और 6 बजे हम लोग चयन की सूची भी प्रकाशित करें। एक दिवसीय काउंसलिंग है? जी, एक दिवसीय है। कितने अभ्यर्थी यहाँ? 15,000 आवेदन है इस नियोजन इकाई में, लेकिन उपस्थित होने वाले की संख्या भी लग रहा है, तो देख रहे हैं 4,000 से 5,000 लोग आए हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रशासनिक रूप से हम लोग विधि व्यवस्था के साथ साथ पारदर्शिता के लिए भी हम लोग तैयार हैं कि पारदर्शी तरीके से हम लोग काउंसलिंग करें और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, इतना हम लोगों को विश्वास है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में कितने अंक होने चाहिए, किस तरह के? इसके लिए कोई अंक नहीं है, मेधा अंक में वरीयता के आधार पर होता है। सबसे अधिक मेधा अंक का जो अभ्यर्थी है उनको पहले हम बुलाएंगे और यही क्रम आगे भी चलता रहे। जो आरक्षण में आते हैं वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, हर कैटेगरी का अलग है। जब उस कैटेगरी का शुरू होगा तो उसमें जो सबसे सीनियर होंगे उनको हम बुलाएंगे। सर, अपना परिचय। सर, ये किस प्रखंड का यहाँ आज काउंसलिंग हो रही है? किरतपुर प्रखंड का है। किरतपुर प्रखंड का, कितने सीट है यहाँ? यहाँ पर कुल 13 सीट है एसएसटी में। कौन कौन से विषय में? सोशल साइंस में 13 सब्जेक्ट पे आज काउंसलिंग होना है। आवेदन कितना हुआ? आवेदन आपको 6,474 कुल आवेदन किया गया है। ये इसमें आज के काउंसलिंग को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? यहाँ पार्टनरशिप सीसीटीवी कैमरा निष्पक्ष हो, बैरिकेडिंग किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस वजह से हो सके, और एक अभ्यर्थियों को क्रमवार बुलाया जा रहा है जिससे कि उनके बीच किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, काउंसलिंग पूरी निष्पक्ष हो। सर, अपना शुभ परिचय। मेरा नाम संजय कुमार, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रहता हूँ। मैम, आप भी कुछ पारदर्शिता का क्या सब तैयारी किया है? आप नई प्रमुख बनी हैं तो क्या कहेंगे आप? ये जो काउंसलिंग हो रहा है इसमें पारदर्शिता सब सही है, इंतजाम? हाँ, सब सही है, सब सही चल रहा है और सब सही हो रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। रेखा देवी, किरतपुर प्रखंड की प्रमुख। जी, आज का ये जो काउंसलिंग हो रहा है जिला स्कूल के अंदर, ये कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वही है कि व्यवस्था बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, गेट खुला होने की वजह से। खुला हुआ है, इसे सेपरेट सब जगह का होना चाहिए था। वहाँ जिसका नहीं हो रहा है वो यहाँ आ जा रहा है। का एक सिस्टम तो पहले गलत है कि एंट्री का टाइम जो 11 बजे था, 11 बजे गेट खोला, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। जो दूसरे जगह स्टूडेंट काउंसलिंग करा रहा है उसको भी ये मौका दे रहे हैं, जो दूसरे जगह कैंडिडेट पहुंचा हुआ है, अगर 11 बजे अटेंडेंसी बना लेते तो अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता। जो पहले से वेट कर रहा है उसको भी मौका दे रहे हैं, जो आ रहा है उसको भी मौका दे रहे हैं। ये तो अथॉरिटी गलत है ना, ये तो गवर्नमेंट का पहले नियम था 11 बजे गेट आपको बंद कर देना है, अटेंडेंस पहले बना लेना है। अभी ये कैसे बोल रहे हैं कि जिसका स्लिप में नाम रहेगा सूची में उठा लेंगे? ये अथॉरिटी कोई मान रहे हैं? ये अथॉरिटी कोई दे नहीं रहे हैं? ये प्रावधान तो है नहीं इनके पास, कौन सा इनके लिए डीएम गवर्नमेंट अलग से नियम निकाला, ऐसा तो कुछ नहीं। ये मतलब शिक्षा मंत्री का बेरोजगारी का एकदम स्टूडेंट को बेरोजगार बना दिया, किसी भी काम का नैतिकता नहीं है, सिर्फ घुरमा रहा है, बस भरम जाल फैला दिया है, स्टूडेंट लोग बौड़ा रहा है। इसको सीधा सीधी ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लेता
कोई जरूरत नहीं था स्टूडेंट को, तीन को जिला च्वाइस मांग लेता, जिसको जहाँ जाना था जाता, नहीं जाता ना घर में रहता। सब खड़ा है हाँ। उसका एक घंटा लगता है, एक घंटा उस पसीना पसीना है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, गार्जियन भी तो परेशान है, गार्जियन बहुत परेशान है। ये काउंसलिंग जो आज हो रहा है ये किस प्रखंड का है? आप लोग तो क्या ये आज का काउंसलिंग कैसा है? सही तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर कुमारी राम शर्मा 1.60 जी, ये आज का जो काउंसलिंग हो रहा है जी, ये कैसा है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? ठीक ठाक है? नहीं अच्छा है, लेकिन नियम अनुकूल नहीं है, गेट खुला हुआ है जबकि नियम था गेट बंद कर देना। नहीं ये तो अभी खोल करके ही रखा गया है, जो यहाँ बैठा हुआ है उस कैंडिडेट के साथ तो गलत हो रहा है। क्या उधर करो, वहाँ वहाँ देखो, वहाँ जल्दी जल्दी होना चाहिए, इसे छोड़ो आप। ये भी एक इशू है, ये भी एक इशू है, हम यहाँ से अभ्यर्थी रहना चाहिए, गार्जियन भी है, गैदरिंग है, गेट को लॉक कर देना चाहिए, सब यहाँ अभ्यर्थी ही रहता, अदरवाइज कहीं हो रहा है यहाँ तो बच्चे बैठे हुए क्या करेगा, तब जैसे कोशिश कर रहे क्या फायदा, ऑनलाइन कर देता है।